5 सितंबर 2023 ने सुमित पारता और प्रगति का वाह क्या चीज नाम ते एक गाना रिलीज कराया गया था। इस गाने में अपन ने थोड़ा बॉलीवुड टाइप का लेटेस्ट कैची सा म्यूजिक और साथ में हुक स्टेप भी देखने में मिली है। और जिस तरीके से सुमित पारता हर बार नए नए गाने पे म्यूजिक और लिरिक्स की गेल एक्सपेरिमेंट करता दिखा गया है, न्यू वे इस गाने में भी देखा गया है। पर एक दिक्कत यह आ गई कि इस गाने ने लेकर कई भाइयों के दिला ने थोड़ा धार्मिक तौर पर ठेस पहुँचा है। वो क्यों पहुँचा और उस चीज़ ने लेकर जो है टीम थी, प्रोड्यूसर थे, कलाकार थे, इनके द्वारा के डिसीजन लिया गया है, वे सारी बात इस वीडियो में ढंग तय करांगे। इस गाने की लिरिक्स में भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कराया गया था। जुकर अपना हरियाणा में कया नहीं करा कि यो तो राम जी ने बना कर भेज रखा है, और कोई एक्सपायर हो जाया करता तो बुड्ढे न्यू कया करते कि फलाना तो राम जी में गया। तो इस डाल के शब्द अपने आसपास अपन सुनने मिल जाया करे और मन ने तो कई बार सुन रखी है। तो न्यूए कुछ इसी चीज इस गाने में भी देखी गई, पर गाने ने तो सब सुना है, हरियाणा वाले भी और हरियाणा तक बाहर वाले भी, जिस कारण बहुत सारे भाइयों ने इस लाइन तय भगवान श्री राम जी का अपमान लग गया और यह लाइन अटाणत रिलेटेड इस गाने पर कई कमेंट करे गए हैं। कलाकारा ने, प्रोड्यूसर्स ने और पूरी टीम ने यो गाना लोगों के एंटरटेनमेंट खातर बनाया था, धार्मिक भावना ने ठेस पहुँचाने खातर ना था। और अगर ठेस पहुँचा तो फिर इनने जो भगवान श्री राम जी वाले शब्द थे ये इस गाने में तय ट्रिम कर दिए। धर्म और देशभक्ति की जिम्मेदारी ने तो कलाकार भी समझा है, इसकी डिसरिस्पेक्ट ये भी ना करना चाहते। हाँ, जाने अनजाने में किसी बात तय पब्लिक की भावना ने ठेस पहुँचे तो फिर उस पर सही मानस तो सही कदम ठाई ले है और अपनी गलती भी मान ले है। और इससे कारण ये कुछ टाइम में इन लाइना ने हटा के और लाइना तक रिप्लेस करके यो गाना फिर तय रिलीज करा जाऊगा। कलाकार जब गाना बनाने लग गया है तो वो उसमें वे बात लिखा करे जो वो अपने आसपास सुने है या फिर बड्डे बुड्ढा दौरे सुने है। और हो सके है वे बात एक कल्चर में तो नॉर्मल है और दूसरे कल्चर में नॉर्मल कोन्या, पर टीम की तरफ तय लोगों की भावना ने देख कर यो सुथरा डिसीजन लिया गया है। इस गाने पर 1.7 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और यो गाना भी फिर तय अपलोड करा जाऊगा। तो एक बार थम भी इस गाने तक थोड़ा प्यार दिखाइयो। गाना पूरी फील लेकर गाया गया है और सुमित पारता के द्वारा शब्दा ने डिलीवर करने का तरीका मन मस्त लग गया और म्यूजिक की वाइब तो बढ़िया है। इस वीडियो में इतनी बात थी। थम ने सुमित पारता का कौन सा गाना सब तक पहला सुना था कमेंट में बताइयो। मन ने तो मोटे पैग सुना था। बाकी जाए इस वीडियो तभी किसी दिल ने ठेस पहुंचाओ तो फिर माफी चाहूंगा। राम राम।